हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 6, साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टैप टू स्टार्ट किए हुए थे, उसका हम लोग एक क्वेश्चन देखे हुए थे, एक्सरसाइज नंबर 9.1 की सी सिन्हा। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोलता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक कोई ट्राइंगल ए बी सी है, इफ़ ए बराबर 25, इफ़ ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 52 एंड सी इज इक्वल टू 63, देन हम लोग को फाइंड करना है कॉस, हम लोग को फाइंड करना है कॉस ए, फाइंड करना है कॉस ए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हम लोग को साइड्स दिए गए हैं, हम लोग को क्या निकालना है कॉस ए। अब बताइए, हम लोग पढ़े हुए थे एक फार्मूला कोसाइन फार्मूला, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि कोसाइन फार्मूला है फॉर तीन फार्मूला, कॉस ए के लिए अलग, कॉस बी के लिए अलग, कॉस सी के लिए अलग। तो कॉस ए जब लेते थे तो क्या हो जाएगा, यदि एक कोई ट्राइंगल हम लोग ए बी सी ले लें, क्या है ए बी इधर ले लें और सी, तो मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए ए मेरा दिया हुआ है 25, बी दिया हुआ है 52, सी दिया हुआ है 63। सी इसमें छोटा लग रहा है, थोड़ा सा आप जो है इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब आप तो फिर इसको एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं, इस तरह बना दीजिए, ये है ए सी, इसको मान लीजिए हो गया 63, ए सी हो गया, उसके बाद क्या है 52, ए बी मान लीजिए हो जाएगा 52 और ए मान लीजिए 25, मतलब हो जाएगा ए बी सी। एक कोई ट्राइंगल है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए निकालते हैं, क्या होता है कॉस, एंगल ए की बात करेंगे तो उसके जस्ट सामने वाला साइड जो होता है वो मेरा नेगेटिव में होता था, तो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी। कॉस बी लेते थे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए सी। कॉस सी लेते थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी। ये तीनों फार्मूला है, यहाँ पे हम लोग कॉस ए बोला है, यदि कॉस बी बोलता ए यूज करते, कॉस सी बोलता तो ए यूज करते। अब देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, गिवन है क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 52 एंड सी इज इक्वल टू 63। हम लोग को निकालना है कॉस ए, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी। बी का वैल्यू कितना है 52 का स्क्वायर प्लस सी वैल्यू कितना है 63 का स्क्वायर माइनस ए वैल्यू है कितना है का 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 52 × 63। हम लोग 52 का स्क्वायर करेंगे तो 52 कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 × 10 = 20 0 2 5 × 25 and 2 27, तो ये मेरा आ जाएगा 2704। अब 63 का यदि स्क्वायर करेंगे 63 तो 3 × 9 6 × 3 = 18 और 18 हो जाएगा 36, 3 और हो जाएगा 6 × 36 और 3 = 39 तो हो जाएगा प्लस 39 = 69 और 25 का स्क्वायर 625। अब इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 × 52 × 63 को कीजिएगा तो आ जाएगा 65 × 52 आ जाएगा, 65 × 52 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 × 4 13 × 3 = 1 तो 6 × 1 = 7, फिर कितना हो जाएगा 9 × 7 = 16 हो जाएगा 4 × 2 = 6 माइनस 625 डिवाइडेड बाय 52। अब ये कितना हो जाएगा 13 में 5 गया तो 8, यहाँ बचेगा 6 में 4
टू गया फोर, यहाँ सिक्स में सिक्स गया ज़ीरो, सिक्स हो जाएगा सिक्स फाइव फाइव टू। अब इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप काट छाट कीजिएगा तो उसमें आपका आएगा, जब इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपका ये आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12/13। क्या जाएगा 12/13, ये आपको खुद से कीजिएगा, ये आंसर है 12/13, मतलब कॉस ए का वैल्यू हो गया 12/13। यदि बोलता कॉस बी का तो इस फार्मूला का यूज करते हम लोग कॉस बी का निकालते, कॉस सी का बोलता तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके कॉस सी का वैल्यू निकालते। अब जो है देखिए उसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर नाइन जो है सेम क्वेश्चन है, बोलता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए बराबर दिया हुआ 18, ए बराबर कितना है 18, बी बराबर दिया हुआ आपका 24, सी बराबर 30, तो हम लोग को निकालना है कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी। क्या इसी प्रकार से नहीं बनेगा, इसमें हम लोग को ए बी सी दिया हुआ था, कॉस ए निकाला इस फार्मूला से, इसमें भी ए बी सी दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, ये तीनों का वैल्यू निकालना है। तो सेम यही प्रोसेस है, एक हिस्से में जो है गुना भाग करना है वो आप कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, बोलता है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, 5 and 7, देन बोलता है प्रूव दैट द ट्राइंगल इज ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल एंड फाइंड ऑब्टूज एंगल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है एक कोई ट्राइंगल है उसमें साइड्स दिए गए हैं 3, 5 और 7, तो हम लोग को प्रूव करना है कि वह ट्राइंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। आप लोग पढ़े होंगे एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब अधिक कोण त्रिभुज जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो प्रूव करना है इससे जो त्रिभुज बनता है ट्राइंगल बनेगा वह अधिक कोण त्रिभुज होगा, जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। तो चलिए मान लेते हैं कोई एक ट्राइंगल एबीसी है, यहाँ तो किसी का नाम तो नहीं बोला है, खाली बोल दिया एक ट्राइंगल, हम लोग मान लिए कोई एक ट्राइंगल एबीसी है। देखिए एबीसी है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड मान लेते हैं ए सेवन, यहाँ पे इसको ये मेरा क्या है, इसको मान लेते हैं ए बराबर सेवन। उसके बाद ये बी है, बी मान लेते हैं 5, और सी है, सी मान लेते हैं 3। सॉल्यूशन करते हैं, गिवन है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, 5 and 7, हम वो लेट के लिए कर लिए ए बी सी इज अ ट्राइंगल जहाँ पे ए बराबर मान लिए 7, बी बराबर मान लिए 5 और सी बराबर मान लिए 3। ये जो है यहाँ आपको जरूरी नहीं यहाँ पे आप ए माने हैं, इसको आप बी भी ले सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, हमारा अपनी मर्जी के अनुसार हम लोग ए बी सी कंसिडर कर लिए। अब हम लोग को ये चीज़ पता है कि जिस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होगा, ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वह सबसे बड़ा एंगल होगा। क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा साइड
मतलब उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है, 7 है, और उसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है, ए है। मतलब एंगल ए मेरा क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला एंगल होना चाहिए। तो सबसे बड़ा वाला ऑब्टूज बोलता है क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक। मतलब ये उम्मीद करेंगे कि ये क्या होगा, 90 से अधिक होगा। तो हमको इसको दिखाना होगा कि एंगल ए जो है वो क्या है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है मतलब हमको साइड्स दिए गए हैं, तो इसके अनुसार से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एंगल ए को फाइंड करेंगे। यदि आप 7 यहाँ लीजिएगा तो यहाँ पे एंगल बी निकालते, यदि इस 7 को अब इस यहाँ पे लीजिएगा तो एंगल आप सी निकालते। हम लोग को क्या निकालना है, एंगल ए। अब साइड्स दिए गए हैं, हमको एंगल फाइंड करना है। कौन सा फार्मूला आसान होगा, तीनों साइड्स दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कोसाइन फार्मूला, कॉस ए, अभी हम निकाले थे कॉस ए बराबर 12/13। तो वहाँ से हम लोग कॉस ए का वैल्यू हुआ, वहाँ से हम लोग एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे उस तरह से। तो क्या है, वी नो दैट, यहाँ लिख दीजिए कॉस ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। कॉस ए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5, प्लस सी का वैल्यू कितना है 3, माइनस ए का वैल्यू कितना है 7 बाय 2 × 5 × 3। ये मेरा हो जाएगा 25 + 9 -49, और ये हो जाएगा कितना 30। तो 25 और 9 ये कितना हो जाएगा 34, -49/30 ये हो जाएगा कितना 15/30 मतलब हो जाएगा -1/2। मतलब ये हो जाएगा मेरा कॉस ए बराबर -1/2। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इस एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ है कॉस ए इज इक्वल टू -1/2। जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े हुए थे, यदि यहाँ से कॉस ए बराबर इतना दिया हुआ एंगल ए का वैल्यू फाइंड करते थे, क्या था, कॉस ए इज इक्वल टू, इस माइनस को भूल जाइए, इस 1/2 को ध्यान में रखिए। तो 1/2 कॉस में कितना डिग्री पर वैल्यू होता है, 60 डिग्री पर वैल्यू होता है। और ये क्या है, कॉस में नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड एंड थर्ड में, पहले नेगेटिव कहाँ होता है तो सेकेंड में। तो हो जाएगा कॉस सेकेंड के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 180 - थीटा मतलब पाई माइनस अल्फा, तो हो जाएगा 180 - अल्फा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। मतलब हो जाएगा या कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 120, तो देयरफॉर यहाँ से एंगल ए बराबर क्या निकल गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब कोई हम लोग जानते हैं कोई एक ट्रायंगल में कोई एक एंगल यदि 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक है, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर ए बी सी इज एंड इज क्या है, इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एट कौन सा एंगल पे, एट एंगल ए। अब ये हम लोग को वैल्यू भी निकालना था कि ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू निकालें, तो ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 120 डिग्री। और इससे प्रूफ हो गया कि ए मेरा कैसा ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको क्या है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें हम लोग को प्रूव करना है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू क्या होगा, टेन बी बाय टेन ए। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें LHS में क्या दिया हुआ है, LHS या तो RHS दोनों तरह से बना सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप गौर से देखिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, नीचे में यदि 2bc होता तो मेरा फार्मूला किसका बन जाता, कॉस ए का।
तो हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लोग 2bc से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो हम लोग 2bc से मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये फार्मूला किस में आ जाएगा, कॉस ए का आ जाएगा। उसी तरह ये मेरा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या करते हैं तो 2ac से डिवाइड कर देते हैं, तो 2ac से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। तब बताइए ए मेरा क्या हो गया, ए मेरा हो जाएगा कॉस ए और ऊपर में क्या है इंटू 2bc। अब ए मेरा क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ बी है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या हो, कॉस बी होगा, ये हो जाएगा 2ac। ए कट गया, सी से सी कट गया, तो ये मेरा हो गया कॉस ए बाय कॉस बी इंटू बी बाय ए। अब हम लोग को यहाँ से हमको क्या लाना है, टेन बी बाय टेन ए लाना है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं रिजल्ट वन, वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन फार्मूलास, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई एक कॉन्स्टेंट मान लिए कि वह क्या है के। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकालिए, बी का वैल्यू निकालिए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा के साइन ए, बी का वैल्यू हो जाएगा के साइन बी, सी का वैल्यू हो जाएगा के साइन सी। तो देयरफोर हम लेते हैं फ्रॉम वन, ये रिजल्ट मेरा क्या था, ये था कॉस ए बाय कॉस बी इंटू बी बाय ए, तो ये मेरा हो गया कॉस ए बाय कॉस बी, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा के साइन बी, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा के साइन ए, के विल कैंसल। तो देखिए यहाँ से हो गया मेरा कॉस ए बाय कॉस बी इंटू साइन बी बाय साइन ए। तो इसको थोड़ा सा हम सजा के सिर्फ लिख देते हैं, इसको इन दोनों को बी वाला एंगल को एक साथ लिखते हैं, साइन बी बाय कॉस बी, यहाँ पे है कॉस ए बाय साइन ए, तो साइन बी बाय कॉस बी क्या हो जाएगा टेन बी, कॉस ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए, और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग वन बाय टेन, तो हो जाएगा टेन बी बाय ये क्या हो जाएगा टेन ए। तो देखिए हाँ यही मान लो का क्या है आर एच एस, हेंस इसको बोल सकते हैं कि ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप यदि आर एच एस से चलिएगा तो आपको आर एच एस से वही करना होगा, पहले टेन को आप साइन और कॉस में ब्रेक कीजिएगा इस तरह से, तो वहाँ से कॉस ए और कॉस ए कॉस बी का है, तो कॉस ए कॉस बी का जो फार्मूला होता है वो पुट कर दीजिएगा, साइन बी और साइन ए का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा बी बाय के, और यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ए बाय के, फिर यहाँ से साइन बी का वैल्यू बी बाय के, उस तरह वैल्यू निकाल के पुट कीजिएगा, तो आपको जो है जो कटने वाला होगा कट जाएगा और जो बचने वाला हो जाएगा वो बच जाएगा, जिससे आपका रिजल्ट जो है एल एच एस में क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 13 नंबर, इन ए ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है सी का पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल सी, सी इज इक्वल टू मतलब क्या है, एंगल सी मेरा जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री या तो फिर 120 डिग्री। तो इसको आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, चलिए इसका हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है क्या दिया, सी का पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4, इसको इसको और इसको एक साथ रख दिए, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको
क्या किया जाए कि कुछ फार्मूला में आ जाए। देखिए तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अभी हम लोग सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो तो हम लोग पढ़े हुए थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। लेकिन यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ सी है वो मेरा क्या है नेगेटिव, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी नेगेटिव है, तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस इसको हम लोग करते हैं माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम लोग को एक चीज़ और घट रहा है टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो हमको एक माइनस करना होगा तभी ना बैलेंस होगा। अब यहाँ से गौर से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मेरा फार्मूला में आ गया, क्या आ गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर का सॉरी माइनस सी स्क्वायर का क्या गया होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो यहीं पहुंच जाइएगा यहां से यहां तक। इसको हम लोग एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया है, हमको एंगल सी की बात करना है, क्या इसको हम लोग कॉस सी बना सकते हैं, तो क्या हमको सी चाहिए, तो यहाँ पे सी स्क्वायर देख रहे हैं माइनस में है तो इसको कॉस सी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कॉस सी का जो फार्मूला होता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो आ गया है लेकिन नीचे टू ए बी नहीं है, तो हमको क्या करना होगा टू ए बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएगा टू ए बी इसका स्क्वायर, तो हम लोग डिवाइड कितना से किए हैं फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी लिखे हैं लेकिन इस पर क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताइए ये यहाँ अंदर में क्या हो गया मेरा, वो मेरा हो गया कॉस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल कैंसल, तो मेरा कितना आ गया इन टू फोर इज इक्वल टू वन। अब मेरा आ गया क्या चीज़ देखिए कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय फोर, ए फोर यहाँ पे आ गया तो देयर फोर ये मेरा कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस वन बाय टू, प्लस माइनस वन बाय टू क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस में ब्रेक करेगा, तो एक बार कॉस सी इज इक्वल टू ले लीजिए प्लस में, एक बार ले लीजिए कॉस सी इज इक्वल टू माइनस में, तो इसके अनुसार लीजिएगा तो ये मेरा हो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री और इसके अनुसार से हो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री क्योंकि इसको अभी बनाए थे, तो देयर फोर यहाँ हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ तो फिर और यहाँ हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो देयर फोर क्या हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ तो फिर 120 डिग्री, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ तो फिर 120 डिग्री, हैंस ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। दूसरा तरीका क्या हो है जैसे यहाँ पे कॉस सी हम लोग को प्रूव करना है सी एंगल इतना है तो लेट कर लेंगे कॉस सी इज इक्वल टू इतना, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पावर फोर है तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, इसको आप ब्रेक कीजिएगा इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो आपका जो है ए स्क्वायर ए प्लस बी मतलब ये तुम आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको आप ब्रेक कीजिएगा इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा आपको कुछ ऐसा कुछ आएगा, तो जहाँ इतना नज़र आएगा वहाँ पे क्या पुट कर दीजिएगा जीरो पुट कर दीजिएगा जीरो पुट कर दीजिएगा तो आपका वहाँ से फिर से वैल्यू आ जाएगा सी एस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू वन बाय
4, तो वहाँ से आप सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें भी आएगा आपका वैल्यू 60 डिग्री आएगा, आ तो आपका आएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और बच गया इस टाइप में, क्वेश्चन नंबर 14, वह भी कुछ इसी प्रकार से है। आप कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। उसमें हम लोग को एंगल सी प्रूव करना है 45 डिग्री या तो 135 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।